हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह 6 बजे से। और यहाँ पर देखो, अभी तक मेरी आँख इतने अच्छे से नहीं खुली है और घर के सारे लोग खेत को चले गए हैं और मेरे को घर पे छोड़ गए हैं। मेरे को करना है घर का आज सारा का सारा काम। सबसे पहले उन लोगों के लिए चाय लेके जानी है खेत में, फिर उसके बाद खाना, मतलब जो भी होगा, झाड़ू पोछा। यहाँ पर बन रही है हमारी गर्मा गर्म चाय और साथ ही में यहाँ पर मैं सब्जी भी काट रही हूँ। और जहाँ पर हमारे खेत है वहाँ पर पहुँचने के लिए मेरे को 5 मिनट तो लग ही जाएंगे। और चाय मैंने इस वाले गड़वे में डाल दिया है ताकि ये ठंडी ना हो। अगर मैं ऐसे गिलास में लेके जाती तो ये तो 2 मिनट के अंदर ही ठंडी हो जानी थी। तो इनको देखो, इनकी तो अभी तक अच्छे से नींद पूरी नहीं हुई है, इसकी आँखें तो अभी अच्छे से खुली भी नहीं है और इसकी भी। अभी चाय लेके मैं आधे रास्ते तक पहुँची नहीं और मेरे को इन्होंने आवाज़ लगा दी कि पानी लेके आना, तो अभी चाय मैं आधे रास्ते में रख के आई हूँ। यहाँ पर रखा हुआ है अपने फ्रिज में ठंडा ठंडा पानी। आजकल भाई यहाँ पर भी काफ़ी सारी गर्मियाँ हो गई हैं तो पानी बिल्कुल गर्म गर्म हो गया है, तो इसलिए आजकल हम पीने के लिए फ्रिज का पानी यूज़ करते हैं। अभी पहुँच चुकी है यहाँ पे गर्म गर्म चाय और मम्मी और पापा ने तो पीने भी स्टार्ट कर दिया है। क्या ये तो चाय का बहुत देर से आए, आम ला रहा। और मम्मी वैसे खेत में चाय पीने का कुछ अलग ही मज़ा है ना, बहुत मज़ा आता है। और देखो मम्मी आज फर्स्ट टाइम ऐसे खा रही, नहीं तो मम्मी घर में कम से कम दो बार हाथ होते हैं उसके। खेत में चल पड़ता है मम्मी सारा कुछ, है ना। धोए तो पानी काम है, फिर काम पड़ जाना। हाँ वो भी, बस ये वाले खेत हमारे साफ तो होते हैं, इधर का हम कुछ भी गंद वगैरह नहीं डालते। और एक काम में बच्चे यहाँ पे लगे हुए हैं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। हाँ, और क्या, मेरे को भूख भी लगी, बिस्किट भी है साथ में, एक एक खा लो। ठीक है, इसके साथ नहीं होना यार बुझा तो क्या अभी। हाँ मैं दिखा रही हूँ, वो देखो इनको तो कब से बोले जा रहे कि चाय पीने आओ, पर कोई नहीं रिस्पांस, नहीं कुछ। जोर से बोलो, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। पीते कभी खेत में थकान लगती, पी लो थोड़ी सी, पी लो। परांठे अभी तक नहीं बने, मेरे को भी लग रहा है वैसे। यार बड़ी भूख लगी कसम, बन रहा है खाना, बस अभी मैं चाय देने आई थी, अब घर में जाके खाना ही बना। कैमरे में अच्छा दिख रहा है यार। हाँ हाँ स्मार्ट दिख रहे, दांत दिखाओ, दिखाओ तो सही। धूल लगी होनी है। ऐसे लग रहा है, मतलब आधे आधे दांत ब्लैक हो गए। किसका सुन रहा है आपको? पता है मेरे को किसके, सिद्धू मूसे वाले के सुन रहे। पहले को देखो ये कितने छोटे छोटे हैं, ये तो इससे थोड़ा बड़ा है, पर मतलब हमारे खेतों में क्या हुआ, खेत है हमारे तो इतने ही बैल ही है। हाँ तो वैसे देखो हमारे खेत, हाँ ये वाला फिर भी कितने अच्छे से कर रहा है ना, अच्छे से कर रहा है। और देखो हमारे मतलब खेत भी छोटे होते तो हमारे बैल भी छोटे होते हैं। अच्छा रिजल्ट दे रहा बंदा यार। सभी को चाय वगैरह पिला के पहुँच गई हूँ मैं घर में, और सबसे पहले अब मैं बना लेती हूँ खाना। खेत में मैंने सभी के लिए चाय दे दी और अभी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। आज मैं खाने में बना रही हूँ आलू और बड़ी। एक तो न्यूट्री जो होती है उसको भी हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में बड़ी बोलते हैं, पर मैं वो वाली बड़ी नहीं बना रही, मैं ये वाली बड़ी बना रही हूँ। देखो ये वाली बड़ी जो है वो मतलब दाल की बनती है, दाल मखनी होगी या कोई दूसरी दाल होगी, जिसमें ऐसे मसाले वगैरह ऐड करके उसको पीस के धूप में सुखाया जाता है, और फिर बाद में देखो सर्दियों के टाइम या मतलब इसको बाद में हम कभी भी खा सकते हैं, और ये खाने में मतलब इतनी टेस्टी होती है ना। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ चाय पी है और बर्तनों के हाल देखो कुछ इस तरह से बनी है आलू और बड़ी। टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है ये आप लोग। आप तो ऐसे ही बनी होता है, भूख लगी है खेत से आए हम। हाँ तो देखो नहा धो के फ्रेश हो गए हैं, खा लो मम्मी आप भी। गर्मी बहुत ज्यादा यार, वो तो है, खेत में ऐसे चक्कर आ रहे हैं। एक घंटा मतलब बैठो पहले नहीं हाथ धोए ना पैर धोए, उसके बाद पूरे तरह से रिलैक्स हुआ तब जाके। मम्मी बोल रहे खेत से आते टाइम भूख खत्म हो जाती, मेरे को तो बहुत लगती है अगर मैं कभी जाऊँ। पर शाम कितनी लगी थी मेरी, तब करती तो वीडियो शूट ना, तो सभी ने बोलना था ये कितनी रोटी खाता है। अब मत खाओ, रहने दो, नहीं लगी भूख तो। अभी लगी है वैसे, इतनी भी नहीं लगी जितनी शाम को लगी। 1 minute 37 seconds later. और यहाँ मम्मी भी रेडी है जाने के लिए। मम्मी आप कहाँ रेडी है? मैं अपनी ड्यूटी को रेडी हूँ ना, आज तो जाने का जरा भी मन नहीं है। मम्मी अपनी ड्यूटी को रेडी हो चुकी पूरी, मम्मी 11 बज चुके हैं ड्यूटी की, तो मैं बिल्कुल पक्की। मम्मी अपनी ड्यूटी की पूरी पाबंद है, मतलब पूरे टाइम से जाते हैं। तो वैसे मम्मी जिस हिसाब से देखो आप मेरे पीछे देख सकते हो, आसमान में कहीं भी बादल नहीं है, आपको तो क्या लगता है? चले जाएंगे। वैसे हमने सुबह सुबह इतने 5 बजे जाके खेत में काम किया है, जो बीज बोया क्या आपको लगता होगा इस हिसाब से? ऐसे ऐसे धूप रही तो हो जाएगा।
तो चलो ऊपर वाले के ऊपर है वैसे तो ना, अब ऊपर वाला ही जाने क्योंकि जो राजमा वो भी जो खाने के लिए रखे थे वो भी सारा खेत में डाल दिया है। हाँ, वैसे तो धरती माता कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती है, जो बोना है थोड़ा बहुत हो ही जाएगा मेरे ख्याल में खाने के लिए, लेकिन भाई जिस हिसाब से धूप हो रही है ना, मेरे को तो पहले से ही डर था। मम्मी को मैं पहले बोल रहा कि बारिश का वेट कर लेते हैं तभी करते, लेकिन बोलते हैं कि सभी ने काम शुरू कर दिया तो हम भी थोड़ा थोड़ा शुरू कर देते हैं। एक ये बंदा है भाई जिसको किसी की कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ खाना और सोने का काम है इसको। ये देखो सुबह हमारे साथ वैसे खेत को गया था रोकी, रोकी डॉन सो गया है इसने, मतलब सुबह 9 बजे से अब 4 बजे तक यहाँ से हिलना भी नहीं है। पहले यहाँ पे बैठेगा और फिर वहाँ पे सामने जो किचन है उसके सामने बैठेगा, क्योंकि वहाँ पे हवा वगैरह लगी रहती है। मैडम जी क्या है, चलना नहीं है? बस हो गया। क्या यार इतनी देर के रेडी हो रहे हो? मैंने सिर्फ 1 मिनट लगाया, 1 मिनट तो हुए। ये देखो भाई इसके ड्रामे, मैं मुँह को क्रीम नहीं लगाता, ये प्यार को क्रीम लगा रही। वाह वाह यार क्या बात है दीक्षा, क्या बात है। ये देखो इसने पूरी कितनी, एक ये डिब्बी और एक ये, कितनी किस्म की लगाती है वैसे? एक ही लगाते सनस्क्रीन तो ने लगाती बस, और कोई भी क्रीम लगाती, मतलब मैं लोशन वगैरह कुछ नहीं लगाती आपको पता है। वैसे ऐसे बोलो बाइक के ऊपर चलना या गाड़ी के ऊपर चलना है? आपकी मर्जी है। मेरे धीरे चलाओगे? हाँ धीरे चलाऊंगा। तो फिर बाइक के ऊपर तो अभी जल्दी जल्दी से रेडी हो जाओ, ठीक है? और घर से सड़क तक पहुँचते पहुँचते इतनी खतरनाक वाली हालत हो जाती ना, ऐसे लगता है जैसे हम पता नहीं कितना किलोमीटर चढ़ के आए हैं। 5 मिनट का रास्ता है फिर भी भाई सांस इतनी तेजी से चढ़ जाती है ना। जाओ मेरे को भी ले चलो एकदम से। चलना आपने नहीं चलना? और नहीं चलना क्या? जल्दी चलो टाइम नहीं, आगे सवारी मेरे इंतजार कर रही है। इतनी सी तो बाइक है इसके ऊपर, कितनी ट्राली है कहाँ पे ये बताओ। और अभी हम मार्केट में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे दीक्षु देखो भाई अपने लिए सूट वगैरह ले रही है, पर इसको एक भी सूट पसंद नहीं आ रहा है। दीक्षु कोई सूट नहीं आया अभी तक पसंद? अच्छा 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 सा लेना, ठीक है मम्मी की गिफ्ट है ये। ओके शर्मा क्यों रहे हो आप? 2-3 सूट ले ले, ठीक है? हाँ दे दूंगा। अब क्या देख रहे हो? ये वाला कैसा लग रहा है? वो सभी लोग बता देंगे इसमें, मैं तो बोल रहा हूँ यही लोग। मैंने पहले इसी को बोला है। लेंथ ठीक तो है, और क्या है? तो और देख लो भाई। एक दुकान से आकर मतलब नेक्स्ट दुकान पे आ पहुंचे, लेकिन इसको एक भी सूट पसंद नहीं आ रहा है। क्या बात है दीक्षु? पता नहीं अब अंकल ही देंगे कोई, अभी पहले आ गई मैं यहाँ पे, मेरे को देख ही नहीं रहे थे, फिर मैं चली गई। अच्छा पहले मैं अंकल के पास ही आई थी। अंकल इग्नोर कर रहे हैं ना, लेने के बाद दीक्षु यहाँ पे आज तो शॉपिंग कर करके सारा कुछ ले ही जाना आज। टेंपो खत्म हो गया यार मेरे पास। हम अभी यहाँ पहुँचे हैं पतंजलि के स्टोर में। मेरा वैसे सबसे ज्यादा लगाओगे आप ही, मेरे को पता है। कौन ये देखो पतंजलि के केशकंती और एक केश, दोनों केशकंती के ना, ये एलोवेरा का ना, एलोवेरा और ये दूसरा। ठीक है दोनों ले लेते हैं। वो तेरा दुपट्टा फंस गया, उठा इसको। और ये रहा
पतंजलि का पूरा स्टोर आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं घर में पहुँच गई हूँ और यहाँ पर मैंने रात के खाने की तैयारियाँ भी शुरू कर दी हैं और देखो अभी रात के 7 बज रहे हैं और यहाँ पे हमारे घर में चाय भी बन रही है। तो अभी हमारा खाना पीना सारा कुछ डन हो गया है और अभी हम लोग बैठे अपने रूम में। आज मेरे को थकान लगी है। आपसे ज्यादा तो मेरे को लग रही है मेरी लाते अभी काम करूँ तब नहीं लगती जितना ऐसे। वैसे जब भी मतलब मार्केट जाते तो यहाँ से वहाँ ऊपर नीचे चल चल के पैदल मतलब हो जाती है ना। आप अच्छी सी बाइक ले लो ना, बाइक नहीं कार ले लो ना, बाइक फिर पूरे मार्केट में ही है, बाइक तो ऑलरेडी पड़ी है तो लेके तो जाते नहीं आप, आधे रास्ते तक उसको वैसे लेके जाते हो कभी हेलमेट नहीं लेके जाते साथ में, कभी क्या वो तो है। तो बस ये था आज का हमारा पूरा दिन, शादी की थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है, थोड़ी बच गई है, आधे से ज्यादा तो नहीं बोल सकते पर आधी हो गई है। अब दो चार दिनों फिर जाएंगे तो पूरी करके आएंगे। अब आपकी बारी है, अब आप तो बोल रहे थे मैंने कपड़े मैंने लेने मेरे पास ऑलरेडी है मेरे पास अपने अच्छा अपने शादी के भी वैसे के वैसे बचे। अच्छा हुआ पैसे बच जाएंगे, ये तो ऐसे ही फेंक रहेगी मेरी शादी, कहाँ बचे हुए सारे लगा के पूरे मतलब पुराने नहीं कर दिए आपने। नहीं कसम से है थोड़े बहुत है, चलो देख लेंगे लगा लेना ठीक है तब तो। तो बस ये था आज का हमारा पूरा दिन, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो करना है लाइक शेयर और हमारे चैनल को करना है जरूर से सब्सक्राइब है ना, ठीक है तो अब आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर एंड बाय बाय।